कैसे आप सभी लोग उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा। तो नोट 11 सीरीज को लेके मार्केट में काफी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि रेडमी नोट 11 सीरीज ऑफिसली चाइना में लॉन्च कर दिया गया है फाइनली लेकिन ये फोन इंडिया में एक रिब्रांड होके न्यू नेम में लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट होगा सोमी एलेवन आई नेक्स्ट होगा रेडमी एलेवन हाई कैपेसिटी और भी यहाँ कई सारे नेम्स में रिब्रांड करके लॉन्च किया जाएगा तो ऐसे में कस्टमर जो है काफ़ी कंफ्यूज है जो इंडिया में कौन सा वेरिएंट, कौन सा फ़ोन लॉन्च किया जाएगा रेडमी नोट 11 सीरीज़ में और क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है तो अगर हम यहाँ बात करें सोमी रेडमी नोट इलेवन प्रो की तो ये काफ़ी जो है अपग्रेड मिलने वाला इंडिया में ये जो ऑफिशली चाइना में लॉन्च कर दिया गया है रेडमी नोट इलेवन सीरीज़ को लेकिन इंडिया में एक न्यू लुक नए डिज़ाइन में और काफ़ी चीज़ें जो है अपग्रेड देखने को मिलने वाला है यहाँ प्राइस पॉइंट हर एक चीज़ में आपको अपग्रेड देखने को मिलने वाला है क्योंकि इंडिया की जितने भी रेडमी कस्टमर्स हैं उनको सबको पता है क्योंकि रेडमी का हर एक टेन सीरीज़ हो या फिर एलेवन सीरीज़ हो नाइन सीरीज हो में हो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है सोमी और एक जो है बजट फोर फोन में एक जो है फ्लैक्सिप फोन देने की कोशिश करती है तो यहाँ पे भी जो काफ़ी लोग कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में जो रेडमी Note 11 सीरीज लॉन्च किया जाएगा वो एक नेक्स्ट लेवल का एक न्यू डिज़ाइन एक न्यू लुक में जो है लॉन्च किया जाएगा तो सबसे पहले बात करते हम यहाँ डिस्प्ले की तो यहाँ आपको 6.7 इंच का फुल एच डी वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो डिस्प्ले है वो कर्व होने वाली है और यहाँ ट्वेंटी रेशो कॉर्निंग गोरेल ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन दिया जाएगा साथ में वन ट्वेंटी ईयर्स का रिफ्रेश डिस्प्ले होगा और फोर्टी ईयर्स का जो है सिंपलिंग रेट होगा और जो डिस्प्ले है वो कर्व होने वाली है तो यहाँ वेजल्स वगैरह नहीं देखने को मिलने वाला है साथ में कॉलकॉम का जो लेटेस्ट चिपसेट है वो मिलने वाला है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन ड्रैगन सेवन जो कि चाइना में डायमंड सिटी नाइन हंड्रेड को लॉन्च किया गया है लेकिन इंडिया का जो वेरिएंट होगा वो कॉलकॉम स्नैप ड्रैगन का प्रोसेसर होगा जो कि हाई ग्राफिक चिपसेट होगा और जो चिपसेट वो 5G है हाई तो अगर आप कोई भी गेम्स खेलेंगे तो यहाँ फिर लेक इशू नहीं देखने को मिलने वाला है साथ में अगर बात करें यहाँ रेम और इंटरनल स्टोरेज की तो इंडिया में आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है सिक्स जी बी रेम वन ट्वेंटी एट जी बी रेम सॉरी स्टोरेज एट जी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी बी स्टोरेज साथ में एल पी डी डी आर फाइव एक्स रैम यूफ एस डी टू पॉइंट टू का मिलने वाला है साथ में एक जो इंडिया का वेरिएंट होगा वो वन जीरो एट मेगा पिक्सल का होगा जिसमें सोनी सेंसर होगा और जो नेक्स्ट सेंसर होगा वो एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और थर्ड जो होगा टू मेगा का डेप सेंसर साथ में आप यहाँ फोर के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पे और यहाँ फ्रंट सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया जाएगा साथ में आपको 5000 बैटरी इमेज और साथ में 67 सेवन वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट और यहाँ आपको टाइप सी पोर्ट दिया जाएगा 3.5 पॉइंट mm फाइव जेक के साथ और यहाँ आपको एम आई का अपडेट भी मिलने वाला है अगर हम यहाँ बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो Redmi Note 11 Pro का इंडिया में अभी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें हम प्राइस पॉइंट की तो रेडमी नोट इलेवन प्रो का प्राइस इंडिया में यहां यहाँ ट्वेंटी थाउजेंड या फिर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ही होने वाला है थर्टी थाउजेंड ही होने वाला है क्योंकि यहाँ काफ़ी चीज़ें आपको अपग्रेड दिया जाएगा इंडिया का जो रेडमी नोट इलेवन प्रो होने वाला है तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर जो है Redmi Note 11 Pro कैसा इसका प्राइस कैसा होना चाहिए और इसका लुक और डिज़ाइन या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय